रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के भाव तेज होने के बावजूद देश में आयात की मांग कमजोर रहने के बीच देश भर के तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह अधिकांश तेल तिलहनों की कीमतें अपरिवर्तित रूप से साथ ये बंद हुई। वहीं कारोबार की मांग कमजोर होने के बावजूद CPO पामोलियन तेल भाव सुधार दर्शाते हुए बंद हुए। वहीं बाजार सूत्रों ने कहा है कि विदेशों में तेजी, आयात शुल्क मूल्य में वृद्धि और रुपए कमजोर होने के बावजूद अधिकांश तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित बंद रहे। वहीं इंडोनेशिया द्वारा निर्यात प्रतिबंध किए जाने के बाद देश के बंदरगाहों पर CPO और पामोलियन तेल की आवक कम हुई। इन आयातित तेलों की मांग भी नहीं के बराबर है। वहीं जिससे पिछले साल के मुकाबले इस बार अप्रैल में आयात लगभग 13% घटा है। CPO और पामोलियन तेल के मुकाबले विशेषकर उत्तर भारत में सरसों रिफाइन की काफ़ी जो ये है वो सस्ता हुआ है। वहीं CPO और पामोलियन के केवल भाव ही भाव हैं। वहीं देश में इन तेलों की मांग ना के बराबर है। स्थानीय उपभोक्ता आयातित तेलों की कमी को सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और बिनौला जैसे तेलों से पूरा कर रहे हैं। वहीं सूत्रों ने कहा है कि बंदरगाह पर सोयाबीन डिगम तेल का 158 रुपए किलो ये बैठता है, जबकि बाजार में इस तेल का भाव 155 रुपए 50 पैसे किलो है। वहीं सोयाबीन डिगम तेल का आयात लाभप्रद नहीं बैठता है। इस बीच हरियाणा के कैथल में तेल मिल संघ ने अपने स्तर पर नकली बिनौला खली बनाने वालों को चेताया कि वह इन हरकतों को रोक दे। वहीं कैथल तेल मिल संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास वे कर रहे हैं ताकि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी हो, क्योंकि इस नकली बिनौला खली का पशु चारे में उपयोग बेजुबान पशुओं के साथ किया जाता है। वहीं सूत्रों ने कहा कि सोयाबीन के DOC की मांग कम होने से पिछले सप्ताहांत के मुकाबले सोयाबीन तिलहन के भाव में गिरावट आई है, जबकि खाद्य तेलों की साधारण मांग रहने से समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन तेलों के भाव पूर्व स्तर पर बंद रहे। वहीं सूत्रों ने कहा कि सरकार को राज्य सरकारों से अपील करना चाहिए कि उनकी खरीद एजेंसियां सस्ते में उपलब्ध सरसों का स्टॉक तैयार कर ले, जो जरूरत के वक्त हमारे काम आए। वहीं आयातित तेलों की कमी को पूरा करने के लिए जिस बड़े पैमाने पर सरसों का रिफाइंड तैयार किया जा रहा है, उससे अधिक सरसों उत्पादन होने के बावजूद आगे जाकर सरसों को लेकर दिक्कत आ सकती है। वहीं तेल तिलहन उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा, तभी इस मामले में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये थी बात खाद्य तेल की कि पिछले साल की समान अवधि के भाव के मुकाबले इस साल मई में सरसों तेल का मूल्य 15 से 20 रुपए लीटर कम है, जबकि मूंगफली तेल के भाव पिछले साल के स्तर पर ही रहे। और तेल कीमतों में जिस तेजी की बात की जाती है वह केवल आयात होने वाले विदेशी तेलों में ही है। तो बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स TV के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।